है। मम्मी काश हमें ऐसा खाना रोज मिलता। ये बहुत महंगा आता है और इसे रोज खाने के लिए हमें फिजूल खर्ची बंद करनी होगी, समझ गए? ये फिजूल खर्ची क्या होती है मम्मी? डिंग डिंग, मम्मी का मतलब है हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। क्या पैसों की बचत? महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये आइडिया अच्छा है। इस बारे में मैं काफी समय से सोच भी रहा था और इससे न सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अपनी सेहत के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्यों ठीक है ना केनेची की मम्मी? हाँ क्यों नहीं, फिर ऐसा खाना रोज मिलेगा। रोज खाओगे तो इस खाने से जल्दी ही बोर हो जाओगे। कोई बात नहीं, तो आज से हमारे घर में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। हाँ अरे ये स्टोव किसने बंद कर दिया? मम्मी ये तो फिजूल खर्ची है। हाँ केनेची तुम ठीक कह रहे हो। पानी उबल गया है, गैस बंद कर दो। हम तरह तरह के एक्टिंग करके आपको हंसाते हैं और घंटी बजाते हैं। घंटी मतलब आपके घर की घंटी नहीं, आपके दिमाग की घंटी। अरे ये हीटर तो बंद हो गया। पापा ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा नाम है बंटी। हाँ हाँ हम लोग फिजूल खर्ची बंद करके अपनी सेहत बनाएंगे। इतनी ठंड में तो कुछ और करने का मन ही नहीं करता, चलकर सो जाता हूँ। पहले कमरे को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। डिंग 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 डिंग। अगर मुझे चोट लग जाती तो? फिजूल खर्ची मना है ना? याद आया, समझ गया। इतनी ठंड में ठंडे पानी में काम करना मुश्किल है। चलिए दोस्तों मेरे जाने का वक्त हो गया। कंबल लाओ, मुझे छोड़ दो पापा। ठंड लग रही है मुझे, ठंड लग रही है, कांप रहा हूँ, मैं घर आ गया। हमने फिजूल खर्ची तो बंद कर दी है, लेकिन ये ठंड लगना कैसे बंद करें? कैसे हो पापा, बाहर ठंड कैसी है? मत पूछो, ज्यादा बोला तो शब्द भी बर्फ बन कर निकलेंगे। चलो मैं इतना अच्छा खाना किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हथौड़ी और शिंजो, क्या तुम दोनों को ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। हम निंजास को इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक सर्दी झेलने की आदत होती है, ये तो हमारे सामने मामूली ठंड है। हम लोग तो अपनी प्रैक्टिस भी बर्फीले पहाड़ों पर करते थे जहाँ बर्फीली हवाएं होती थी। डिंग 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 डिंग। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनते ही कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो गई है। मुझसे तो ठंड के मारे खाना भी नहीं खाया जा रहा। मेरे ख्याल से अब मुझे गर्म पानी में नहाकर सोने के लिए जाना चाहिए। मुझे भी। रुको, खाना तो खा लो। फिजूल खर्ची बंद है ना पापा? समझ गया। कितने समय बाद आज अच्छी धूप निकली है केनेची, चलो धूप सेकने चले। आज बहुत दिनों के बाद मौसम बदला है, लगता है पापा केनेची को लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं। केनेची हम भी तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। कितना मजा आ रहा है ना पापा। सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगने लगती है ना केनेची? चाहे जो भी हो, इससे अच्छा तो ऐसे मौसम में बाहर घूमने का ही मजा है। सुनो शिंजो, चलो हम बाहर चलकर सनबाथ लेते हैं, मजा आएगा। डिंग डिंग। ठीक है भले भाई। ऐसी धूप में तो हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। हाँ?
सूरज कहाँ चला गया? आपने पैसे यहाँ छिपा कर रखे थे? सुनो, आज कुछ अच्छा गर्मा गर्म खाना बनाओ। फिजूल खर्ची का भूत उतर गया क्या? कितने अच्छे हैं पापा। और क्या करूं, ऐसे तो सर्दी में हमारी कुल्फी जम जाएगी। अच्छे। बड़े अच्छे खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में पानी आ गया। एक मिनट रुको, इसे मैं ग्रिल करके तुम लोगों को अभी देती हूँ। और पापा और केनिची क्या कर रहे हैं? अच्छे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। आच्छी। आच्छी। देखो, बचत के चक्कर में इन दोनों की तबीयत खराब हो गई। कभी कभी फिजूल खर्ची कर लेने में ही भलाई होती है। डिंग डिंग, शैतान भगाओ खुशियाँ लाओ। डिंग डिंग। पापा, आपको पता है आज तो 3 फरवरी है। हाँ, सच में? आपको याद है आज बीन्स फेंकने का खेल खेला जाता है? अरे, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। मैंने तो आज के लिए पार्टी का प्रॉमिस किया है, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। तो इसका मतलब आज आप घर देर से आओगे? नहीं, मतलब हाँ। तो फिर आज हम बीन्स किसको मालेंगे? मुझे माफ कर दो बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। मैंने दोस्तों से वादा किया है और लौटते वक्त मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो फिर हम बीन्स किसको मारेंगे पापा? मैं मजबूर हूँ, तुम मेरी जगह मम्मी के साथ खेल लेना। आपने क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम लोग ही खुद ये फैसला कर लो कि इस साल बीन्स की मार कौन खाएगा, और मैं चलता हूँ। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सेत्सुबन वो दिन होता है जिसके बाद मौसम बदलने लगता है। कैलेंडर के मुताबिक कल से बारिश के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे मौसम में कुछ आलसी लोग बस सोते ही रहते हैं। अब शैतान भगाओ, शैतान भगाओ। डिंग 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 डिंग। अब शैतान कौन बनेगा? मैं तो कभी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं बनूंगी, और अगर तुम लोगों ने जिद की तो मैं बीन्स भी नहीं पकाऊंगी, समझ गए? डिंग डिंग। मैंने अपना केनिची, शिंजो और शिशिमानु के नाम का ड्रॉ बनाया है। जिसका ड्रॉ निकलेगा उसी को शैतान बनना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉ निकालेगा कौन हथौड़ी? ड्रॉ मैं निकालूंगी। तो चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। शुरू करो। मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये वाला। और हथौड़ी तुम्हारा? जो भी बच जाए वही मुझे दे देना। मुझसे शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अरे, तुम शैतान बनो, बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने पहले ही कहा था, जिसका ड्रॉ निकलेगा उसे ही करना पड़ेगा। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। शैतान भगा, खुशी लाओ। कहाँ छिपू, कहाँ छिपू? यहाँ, वहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, कुछ नहीं सूझ रहा, यहाँ घुस जाता हूँ। खुशी लाओ, शैतान भगा, खुशी लाओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। वो यहाँ छिप कर बैठा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शैतान भगा, खुशी लाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। के कहाँ जाओगे? कहाँ भी जाओगे, हमें ही पाओगे। बड़ा मुंह खोलने वाले निंजा टंगे। अब जितने चाहो बीन्स फेंको, मैं सब खा जाऊंगा। थक गया, तो बिल्कुल मजा नहीं आया, पेट भर गया।
अच्छा तो बाजी ऐसे पलट गई। मैं तो शिशिमानू की बड़ा मुंह खोलने वाली टेक्निक के बारे में भूल ही गया था। हथौड़ी इस बार तो इस खेल में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पापा शैतान बनते तो कितना मजा आता। ठीक है तो शैतान मैं बन जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, आप शैतान बनोगे तो किसी न किसी निंजा टेक्निक से खुद को बचा लोगे, हमें मजा नहीं आएगा। सही कहा मेरे आका। डिंग ठीक है तो मैं पापा का रूप बदल कर शैतान बन जाता हूँ। तुम निंजा टेक्निक से पापा का रूप बदलोगे ना? तुम तो बड़े समझदार हो केनिची। अरे वाह, बिल्कुल पापा का डुप्लीकेट। अब मैं शैतान का मुखौटा पहनूंगा और फिर तुम लोग मुझ पर कहीं से भी बीन्स फेंकना। तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। शैतान भगाओ, खुशी ला, बीन्स फेंको, शैतान भगाओ। ये कहाँ चला गया? यहाँ पर तो कोई नहीं है। कबड्डी कबड्डी, अरे यहाँ नीचे कोई नहीं है। और वो तो छत से भी नहीं लटक रहा। इस कमरे में भी नहीं है। हथौड़ी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। तुमने कहा था कि निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करोगे। डिंग डिंग, मैंने कोई निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। उन बीन्स की मार ने मुझे हर जगह घायल कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर छिपा हुआ हूँ। शैतान भगाओ, अरे पापा आ गए। खुशियाँ लाओ, शैतान भगाओ, खुशियाँ लाओ। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी अगर मास्क पहन लूंगा तो बच्चे मुझे देखकर डर जाएंगे। वाह, ये हथौड़ी चला कहाँ गया? नहीं दिख नहीं रहा। साला गेम बिगड़ गया। शैतान आ गया है बच्चों। डिंग डिंग, पापा आप तो देर से आने वाले थे ना? हथौड़ी तुम यहाँ हो? ये कौन है बल्ले भाई? अरे असली पापा तो यही है। क्या? तुम सबने पापा को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गए हैं। मैं शैतान हूँ, मुझे मारो, मारो मुझे। लगता है दिमाग पर गहरी चोट लग गई। डिंग डिंग, पापा के जरूरी डॉक्यूमेंट्स आखिर गए कहाँ? डिंग डिंग, कितना अच्छा मौसम है, आज तो संडे का मजा आ गया। मिला था बाहर जाने का मन वाला है। मेरा भी। ठीक है तो चलकर पापा से हमें बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। हाँ बहुत मजा आएगा। तो जल्दी पूछो ना। चलो फिर चले। चलो चलते। हाँ। हाँ। पापा प्लीज पापा, आज हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलिए ना। पापा। क्या पापा, आज संडे है, मतलब घूमने का दिन है ना? पापा प्लीज। लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, बहुत काम है। इसने मेरा पूरा संडे खराब कर दिया है। इस काम ने? हाँ इसी ने, बहुत ज्यादा काम है। थकान से मेरा सर भी दर्द करने लगा है, बहुत थक गया हूँ मैं। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं पापा, बड़े लोगों को काम करने से सर दर्द हो जाता है क्या? इससे पापा को परेशानी हो रही, चलो हम इसे फेंक देते। फेंक देते? हाँ बिल्कुल। हाँ अगर ये रहेगा ही नहीं तो पापा के सर में दर्द ही नहीं होगा। चलो चलो। अब तुम यही रहना, देखो अब पापा हम सबको घूमने ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो घर वापस जाते। मिल गई ताजा खबर। कैनेजी की मम्मी, कैनेजी की मम्मी, मेरी टेबल पे जो पेपर्स रखे थे वो कहाँ हैं? पेपर्स? बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। अगर मैंने कल सुबह तक उन पेपर्स को सबमिट नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। क्या कहा? मुश्किल में फंस जाएंगे। निकल जा। अब मैं क्या करूं? अगर पापा को नौकरी से निकाल दिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैनेजी तुमने पेपर देखे? नहीं मैंने नहीं देखे हैं वो पेपर। बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। और मैं भी चेक करती हूँ। शिशिमानु वो पेपर्स तो बहुत जरूरी थे। उसमें फेंक दियो। शिंजो, तुम कहाँ चले गए थे? हमने उन पेपर्स को कचरे में फेंक दिया। अब क्या करेंगे? कचरे में फेंक दिया, अब तुम्हें पापा जरूर डांटेंगे। ये तुमने क्या कर दिया? अब हम क्या कर ले कैनिजी? अब तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। हमें जल्दी से जाकर वो पेपर ले आने चाहिए। चलो जल्दी चलो। अरे कहाँ गए? तो तुमने यही फेंके थे ना? यहीं पर रखे थे। कहाँ चले गए पेपर्स? हाँ। अब हम क्या करेंगे?
डरो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कौन है? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। कहाँ गए होंगे? कैसे ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? कहाँ गए पेपर? शिंजो शिशिमानो, तुम दोनों भी पेपर ढूंढो। एक नंबर के बुद्धू हो तुम लोग। तुमने सही कहा, बिना सोचे समझे काम करते हो। क्या हो गया केनिची? वो क्या है? कुछ नहीं। शिंजो शिशिमानो चलो मेरे साथ। कुछ तो जरूर है। डिंग डिंग, तुमने मुझे लोका क्यों? मैं बल्ले भाई से हमारी मदद करने को कहने वाला था। अगर तुम सच बता देते तो तुम्हें डांट जरूर पड़ती। क्या तुम्हें खानी है डांट? नहीं नहीं नहीं। तो अब क्या करें? इसीलिए तो मैं पापा के पेपर ढूंढ रहा हूँ शिशिमानो। लेकिन पेपर तुम्हें मिले तो नहीं ना? यही तो अब सवाल ये है कि पेपर वहाँ नहीं है तो कहाँ गए? क्या किसी ने उन्हें वहाँ से उठा लिया या फिर गायब हो गए? और उस पेपर चोर को मैं अपनी समझदारी से ढूंढ निकालूंगा। तुम इसकी जरा भी फिक्र मत करो शिंजो। मुझे मालूम है, मैं पहले से जानता था कि केनिची अपनी अक्ल के आगे किसी और की अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने देगा। उस चोर ने कोई तो सबूत छोड़ा ही होगा। ये पब्लिक पा गया, बहुत चले पहलों के निशान होंगे। ओए मेरा प्लेन, माफ करना, मेरा प्लेन तुम्हारे पास लैंड कर गया। सॉरी शीशी मानू। ये तो पापा के पेपर है। ये पेपर मुझे दे दो। होकर तो वो लोग भाग गए। हमें पापा के जरूरी पेपर्स में से बस एक ही पेपर मिल पाया है। क्यों आया ना मजा मेरे दोस्त? मजा आया। तो क्यों ना हम ये पेपर जाकर उन्हें वापस लौटा दे? बॉस, इन पेपर से हम प्लेन बनाएंगे, उड़ाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारा कहना कैसे टाल सकता हूँ? प्लेन बनाकर उड़ाएंगे। बहुत अच्छे, मजा आएगा। अरे प्लेन बनाने पहले ही उड़ गया, इसे पहले ही पंख कैसे लग गया? ओए ओए रुक जा, ओए अब तो पहले उड़ गया। ओए ज्यादा उड़ना अच्छी बात नहीं है। डिंग 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 डिंग। हम अमाला के घर चले जाए क्या? हाँ चलो। हाँ, उसके घर जाकर सारे पेपर ले आते हैं। अरे वाह, वो देखो पेपर सपने आप यहाँ आ रहे हैं। वाह क्या बात है, चमत्कार हो रहा है। वो रहे पापा के पेपर्स। मैं मालूम है ना कि ये पेपर मेरी समझदारी की वजह से वापस आए हैं। जैसे भी आए, आ तो गए, और क्या चाहिए? तुमने बिल्कुल सही कहा शिंजो, मैं तो जीनियस हूँ। पेपर खींचने की निंजा टेक्निक से आए हैं ये वापस। इसके लिए मैंने एक कांटे को धागे में बांधकर उसे एक पाइप में डाला और फिर पाइप से फूंक मारकर उस कांटे को पेपर में अटका दिया और बस मेरा काम आसानी से हो गया। डिंग 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 डिंग। पापा, मुझे आपके सारे जरूरी पेपर्स मिल गए। कहाँ थे ये पेपर्स? साथ उड़ गए थे। कमरे की खिड़की खुली थी क्या? चलो जो भी है, आखिर आपको आपके पेपर्स वापस मिल गए ना। हाँ, सो तो है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो केनिची, बहुत समझदार हो। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना, आप तो जानते ही हैं, अकलमंदी मेरी शक्ल से ही टपकती है। सब शाबाशी यही ले जा रहा है। जानता हूँ, लेकिन हम बोल ही क्या सकते हैं।